आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक मिश्रा। स्टडी 121 जीके चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। '1886 में अमेरिका के शिकागो शहर में कार्य हेतु 8 घंटे निर्धारित करने के लिए मांग करते हुए श्रमिकों ने एक उग्र आंदोलन प्रारंभ कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप शिकागो के सभी श्रम संगठनों ने भी उनका साथ दिया और उन्होंने भी हड़ताल प्रारंभ कर दी। हड़ताल के दौरान ही शिकागो के हेमार्केट में बम ब्लास्ट हुआ। हड़ताल से निपटने के लिए पुलिस बल ने मजदूरों पर गोली चला दी। इन घटनाओं में कई मजदूर तथा कई लोग घायल हो गए। इसके 3 साल बाद फ्रांस की राजधानी पेरिस में 1889 में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी आंदोलन प्रारंभ हुआ, जिसमें हेमार्केट में मारे गए निर्दोष लोगों की याद में 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई। 80 से अधिक देशों में इस दिन अवकाश रहता है। भारत में मजदूर दिवस की शुरुआत की बात की जाए तो चेन्नई में 1 मई 1923 से इस दिवस की शुरुआत हुई। लेबर पार्टी ऑफ हिंदुस्तान के नेता और कॉमरेड सिंगारा वेलु चेटियार के नेतृत्व में मद्रास में पहली बार मजदूर दिवस मनाया गया। 2020 में कोरोना वायरस पर आधारित इसकी थीम है। 2019 में सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए कार्य करने वाले श्रमिक विषय रखा गया था। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की बात किया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन 1919 में स्थापित हुआ था। इसमें 187 देश सदस्य हैं और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए स्टडी 121 जीके चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर क्लिक